हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BAMS मेड बाय एस्क्वायर चैनल में स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पित्त वृद्धि और क्षय के लक्षण देखे थे। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम कफ वृद्धि क्षय के लक्षण देखेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए और क्विज अटैम्प्ट करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो कफ वृद्धि में सबसे पहली कोटेशन है, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय श्लेष्मा अग्नि सदनम प्रसे कालस्य गौरवम श्वेत्य शैत्य स्लथा अंगत्वम श्वास कास अति निद्रता। श्लेष्मा मतलब कि कफ की बात हो रही है, अग्नि सदनम अगर कफ की वृद्धि हो जाती है तो अग्नि सदनम डाइजेस्टिव पावर जो है वो वीक हो जाती है। प्रसेक मतलब एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। आलस्य मतलब लेजीनेस फील होता है। ठीक है, गौरवम हैवीनेस की फीलिंग आती है। श्वेत्य मतलब वाइट डिस्कलरेशन हो जाता है। शैत्य मतलब ठंडी लगती है, कोल्डनेस की फीलिंग होती है। श्लथा अंगत्वम अंगों में श्लथता मतलब कि लूजनेस आ जाती है। अब आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि कफ का फंक्शन तो क्या था, संधि बंध मतलब वो बाइंडिंग का काम करता था। अगर कफ की वृद्धि हुई है तो उसका वो फंक्शन बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे श्लथ अंगत्व लूजनेस क्यों हो रही है? तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी ऑर्गन लूज हो गए, मतलब उसकी फंक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो स्लो हो जाती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड है श्लथा अंगत्वम लूजनेस ऑफ बॉडी पार्ट्स। फिर श्वास कास अति निद्रता। अब श्वास कास ऐसी डिजीज़ क्यों होती है? क्योंकि कफ का मेन स्थान क्या है, उर, मतलब कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इसीलिए जब कफ की वृद्धि हो जाती है तब उर में जो है उससे रिलेटेड डिसीज़ होती है, मतलब रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिसीज़ होती है। इसीलिए श्वास कास अति निद्रता, ज़्यादा नींद आती है। ठीक है, कफ वाला व्यक्ति सोता ही रहता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय कि श्लेष्मा अग्नि सदनम, अग्नि सदनम का मतलब है वीक डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ। प्रसेक, प्रसेक का मतलब है एक्सेसिव सलाइवेशन। आलस्य, आलस्य का मतलब है लेजीनेस। गौरव, गौरव का मतलब है फीलिंग ऑफ हैवीनेस। श्वेत्य, श्वेत्य का मतलब है वाइट डिस्कलरेशन। शैत्य, शैत्य का मतलब है कोल्डनेस। श्लथा अंगत्वम, श्लथा अंगत्व का मतलब है लूजनेस ऑफ बॉडी पार्ट। श्वास, श्वास का मतलब है डिस्पोनिया। कास, कास का मतलब है कफ। और अति निद्रता मतलब एक्सेस ऑफ स्लीप। तो ये सब श्लेष्मा वृद्धि के लक्षण है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। दूसरी कोटेशन है, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत श्लेष्मा वृद्धो, जब श्लेष्मा बढ़ जाता है तब सौकल्यम, मतलब वहाँ पे कौन सा वर्ड था, श्वेत्य वर्ड था वाइट डिस्कलरेशन के लिए। यहाँ आचार्य सुश्रुत ने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, तो सौकल्यम, सौकल्यम का मतलब है वाइट डिस्कलरेशन। शैत्यम मतलब वही कोल्डनेस, ठीक है, ठंडी लगती है। स्थैर्यम मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो कफ का ही फंक्शन है, अगर कफ की वृद्धि हुई है तो उसके फंक्शन भी बढ़ेंगे। ठीक है, गौरवम हैवीनेस फीलिंग होती है। अवसाद, अवसाद का मतलब है डिप्रेशन। तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है जो निद्रा की पहले की अवस्था है, दैट इज तंद्रा, ड्रोजीनेस। निद्रा मतलब स्लीपीनेस। संधि अस्थि विश्लेषश्च मतलब लूजनेस ऑफ संधि एंड अस्थि मतलब जॉइंट एंड बोन। वापस मैं आपको बता रही हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो लूज हो गए हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कफ का काम तो संधि बंद है, तो यहाँ पे संधि अस्थि विश्लेषश्च कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ऐसा लगना है कि उनके जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो श्लेष्मा वृद्धौ सौकल्यम मतलब वाइट डिस्कलरेशन। शैत्यम मतलब कोल्डनेस। स्थैर्यम मतलब स्टेबिलिटी। गौरव मतलब फीलिंग ऑफ हैवीनेस। फिर अवसाद, अवसाद का मतलब है डिप्रेशन। तंद्रा, तंद्रा का मतलब है ड्रोसीनेस। निद्रा, निद्रा का मतलब है स्लीपीनेस। संधि अस्थि विश्लेषश्च मतलब कि लूजनेस ऑफ जॉइंट्स एंड बोन। तो आपको ये याद रखना है दोनों के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय और अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। अब हम कफ क्षय के लक्षण देखिए। तो कफ क्षय के लक्षण अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, कफे भ्रम, अगर कफ का क्षय होता है तो क्या भ्रम मतलब कि डिल्यूजन फील होता है। श्लेष्माशय, श्लेष्मा आशय नाम शून्यत्वम, श्लेष्म के जो आशय है मतलब श्लेष्म की जो साइट है उसमें शून्यत्व मतलब एम्प्टीनेस
की फीलिंग होती है, ठीक है। रद द्रव पैल्पिटेशन होता है। स्लथ संधिता लूजनेस ऑफ ज्वाइंट्स, देखो ये बिल्कुल ठीक है कि कफ क्षय होगा तो ज्वाइंट्स में लूजनेस आएंगी, क्योंकि कफ का जो फंक्शन है वो है संधि बंध। अगर कफ का क्षय हुआ तो कफ के फंक्शन कम हो जाएंगे। कफ का फंक्शन था ज्वाइंट को बांध के रखने का, संधि बंध बाइंडिंग का फंक्शन था, अगर वो कम हो गया है तो श्लथ संधिता तो आएगी, लेकिन कफ वृद्धि में भी है, श्लथांगत्वम, ठीक है, संधि अस्थि विश्लेषश्च। तो उसका मतलब वहाँ पे ऐसा लेना है कि वहाँ फंक्शन करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे तो है श्लथ संधिता, मतलब कि लूजनेस ऑफ ज्वाइंट। तो आपको ये याद रखना है कि कफ है भ्रम, भ्रम का मतलब है डिल्यूजन। श्लेष्माशय, श्लेष्म आशय नाम शून्यत्वम, श्लेष्म के जो आशय है उसमें शून्यत्वम होता है, मतलब कि फीलिंग एस इफ द प्लेसेस ऑफ कफ आर वैकेंट। फिर रद द्रव मतलब पैल्पिटेशन, स्लथ संधिता मतलब लूजनेस इन द जॉइंट, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, तो अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय। अब दूसरी कोटेशन है, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, श्लेष्माशय रुक्षता अंतर्दाह आमाशयतर श्लेष्माशय शून्यता संधि शैथिल्यम तृष्णा दौर्बल्यम प्रजागरणम च। तो श्लेष्माशय जब कफ का क्षय हो जाता है तो रुक्षता, क्योंकि कफ का गुण स्निग्ध है, कफ का क्षय हुआ तो कफ के गुणों का भी क्षय होगा, तो जो स्निग्धत्व है वो कम हो जाएगा, तो क्या होगा, रुक्षता। तो कफ क्षय से क्या होगा, ड्राइनेस, मतलब कि रुक्षता। अंतर्दाह बर्निंग सेंसेशन होती है, इंटरनल बर्निंग सेंसेशन, अंतर्दा है। आमाशयतर श्लेष्माशय शून्यता, आमाशय के जो मतलब श्लेष्मा के जो आशय है उसमें किसको छोड़ के, तो आमाशय को छोड़ के आमाशयतर श्लेष्माशय श्लेष्माशय शून्यता, मतलब कि श्लेष्मा के जो आशय है उसमें आमाशय को छोड़ के बाकी जो भी आशय है उसमें शून्यता आ जाती है। संधि शैथिल्यम मतलब वही कि जॉइंट्स में शिथिलता आ जाती है। तृष्णा प्यास ज़्यादा लगती है। दौर्बल्यम मतलब कि वीकनेस आ जाती है, ठीक है। प्रजागरणम से नींद नहीं आती, ठीक है, वो जागता ही रहता है, कफ का ही गुण था निद्रा। कफ क्षय हुआ है मतलब वात की वृद्धि हुई है, वात की वृद्धि में भी हमने ये पढ़ा है प्रजागरणम, ठीक है, निद्रा नाश पढ़ा है, प्रजागरण पढ़ा है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। रुक्षता मतलब ड्राइनेस, अंतर्दा मतलब कि इंटरनल बर्निंग सेंसेशन, आमाशय उत्तर श्लेष्माशय शून्यता मतलब कि मतलब जो आमाशय को छोड़ के जो श्लेष्मा के आशय हैं उसमें शून्यता आ जाती है, मतलब एम्प्टीनेस इन कफ ऑर्गन एक्सेप्ट आमाशय, ठीक है। संधि शैथिल्य संधियों में शिथिलता आ जाती है, मतलब लूजनेस ऑफ जॉइंट। फिर तृष्णा, तृष्णा मतलब एक्सेसिव थर्स्ट। दौर्बल्यम, दौर्बल्यम मतलब फीलिंग ऑफ वीकनेस। प्रजागरण मतलब लैक ऑफ स्लीप, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।